हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, यूएसए यानी कि अमेरिका 1,12,815, इटली 92,472। अभी भी समय है। आईएमएफ ने भी अब तो कह दिया कि भाई हम ग्लोबल रिसेशन में एंटर कर चुके हैं, क्लियर कट, जो कि 2009 से भी बड़ा है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपके लिए कह दी गई है, जरा समझिए। अभी भी समय है इंडिया में। मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, किसी भी बहकावे में ना आए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगी हुई है, उनकी मदद करें, हर जगह पे घर से बाहर नहीं निकलें। हर जगह से डॉक्टर्स आपको यही सलाह दे रहे हैं कि अपने घर में बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, खास करके जिनको कोई पहले से बीमारी है, उनको बचा के रखें। यही संदेश हम भी आपको दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे इधर उधर वीडियोस देख रहे होंगे, नहीं ये नॉर्मल वायरस है, कुछ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे बहकावे में किसी के भी ना आए। अगर ऐसा होता तो ये नंबर्स आपको ऐसे देखने को नहीं मिलते। ये इटली में 10,000 डेथ विद इन 1 और 2 मंथ, ये आपको देखने को नहीं मिलती। 900 ऑलमोस्ट 889 डेथ अभी आज अपडेट हुई है। मैं आपके लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, और कहीं से नहीं, बिल्कुल जेन्युइन सोर्सेज हैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये 10,000 नए आंकड़े टोटल डेथ हो चुकी हैं अमेरिका में, देख लीजिए। इन लोगों ने भी मजाक समझा था। आज देखिए 1,13,000, जब तक मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो 1,12,000 था, अभी 1,13,000, यानी कि 9,000 टोटल नए केसेज, 207 टोटल डेथ। ये समझिए, ये सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। फिर भी लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर क्या कहीं पूरे वर्ल्ड में 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं? चाइना की बात ही कुछ और है, चाइना पे तो हमें विश्वास ही नहीं होता भाई इसके आंकड़ों पे। स्पेन को देखिए आप, 72,000 टोटल केसेस और 5,812 डेथ, 674 डेथ एक दिन में। अगर ऐसा ये नॉर्मल फ्लू का वायरस होता तो इटली में वेंटिलेटर्स की कमी क्यों पड़ जाती है? इटली में हॉस्पिटल, जो कि वर्ल्ड का सेकंड सबसे बढ़िया माना जाने वाले हेल्थ केयर सिस्टम इटली का माना जाता है, और उसकी इतनी बुरी हालत क्यों होती? देखिए ज़रा, ईरान की इतनी बुरी हालत क्यों होती है? क्यों? क्योंकि ये लोग जो लाइटली ले रहे हैं, उन कंट्रीज़ में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो रही है। इंग्लैंड भी अब तक लाइटली ले रहा है, मुझे क्लियर कट यहाँ पे देख रहे हैं, इंग्लैंड भी बहुत ही लाइटली ले रहा है चीज़ों को, और यहाँ पे भी सिचुएशन गड़बड़ा सकती है कभी भी। और यहाँ पे अगर आप देखें, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, अब जाके ये जाग रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, सिचुएशन तो बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा, ये वायरस खतरनाक नहीं है, ये वायरस उन लोगों को अगर पकड़ ले रहा है जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, या फिर जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो उनके लिए बड़ा खतरनाक है। अगर आप देखोगे तो मैं फिर से कहूँगा कि 40-50% लोगों को तो कुछ ना के बराबर, और 60-70% लोगों को तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो वो बचे हुए 30% लोग हैं ना, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे, फिर सीरियस हो रहे हैं, फिर वो सीधे के सीधे डेथ ही डिक्लेयर हो रहे हैं। देखिए, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि 60-70% पॉपुलेशन, मेन ये मान के चलिए कि 80% तक पॉपुलेशन को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अगर जिसको हो रहा है तो वो सोचिए जरा, आप जरा समझने, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वायरस इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वायरस उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनको ऑलरेडी इश्यूज हैं, या फिर वो ओल्ड एज वाले हैं। इसका मतलब, अगर जो कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कह रही है कि नहीं यार, क्या करना है, बंद बंद करके सबको होगा, ये हमें कुछ लोग खोने पड़ेंगे, हम खो देंगे। देखिए, लेकिन इंडिया, आपकी गवर्नमेंट कितनी एक्टिव यहाँ पे, उन्होंने कहा नहीं, हमें हर किसी के जान की परवाह है, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा सा, देखिए लोगों की ज़रूरतें भी होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती भी नज़र आ रही है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन कर रहे हैं। अब अपनी अपनी, उनको भी हम दोष नहीं दे सकते, उनको भी यहाँ पे अभी सर्विसेज इस तरीके से मिल नहीं पा रही है, क्या करें, लोग परेशान होते हैं, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस सबकी होती है कि नहीं, अपने गाँव ही निकल जाते हैं, इससे अच्छा है लोग पैदल रास्ते चल दिए हैं, लेकिन उसकी वजह से खतरा और बढ़ता जा रहा है। बट ये है कि भुखमरी एंड ऑल, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑल तो कर रही है चीज़ें धीरे धीरे, लेकिन टाइम लगता चीजों को हर तरीके से। गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा बहुत ही तेजी की जरूरत है अभी के टाइम पे। अप्रिशिएट करते हैं हम गवर्नमेंट के वर्क को, लेकिन उन लोगों के भी कंसर्न्स यहां पे हैं, तभी वो मूवमेंट कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। और ऑलरेडी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग, जैसे डाटा ग्रुप एंड ऑल, सब ने यहां पे डोनेशंस और सपोर्ट की घोषणा कर दी है, सबको पता है, और बहुत बहुत एक्टर्स आगे निकल के आ रहे हैं डोनेशंस एंड ऑल के लिए। और मेरे आप लोगों से भी यही राय है कि ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, और आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ
जो भी आपके बस का होता है जरूर डोनेट कीजिए ऐसी सिचुएशन में, जितना भी आपके बस का है वो डोनेट जरूर कीजिए। और इसके अलावा इन नंबर्स को देख के अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल दिखाऊं तो देखिए आप, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कह रहा था कि भाई IMF चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है, IMF चीफ की तरफ से कि भाई हम ऑलरेडी रिसेशन में एंटर कर चुके हैं और ऐसे रिसेशन में हम एंटर कर चुके हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। वी ऑलरेडी एंटर्ड, ये देखिए क्रिस्टलिना जो कि IMF की चीफ है उनकी तरफ से ये आई थी कि 2009 से बड़े रिसेशन, देखिए सब चीज बंद है, कोई अभी किरण उम्मीद की देखने को मिल नहीं रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे थोड़ा अच्छा हो जाए तो सही है। और निफ्टी की बार बार बात कर रहे हैं लोग, कह रहे कि नहीं निफ्टी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता। देखिए अभी तो सारा काम ठप है, अभी तो सारा काम ठप है, अगर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बल्कि इमरजेंसी फंड की लोगों को जरूरत है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि पैसा बचा के रखो, अभी इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी आने वाली है, वहाँ पे जरूरत पड़ेगा, आपको नहीं तो देश को जरूरत पड़ेगी, तो पैसा बचा के रखो, यही हमारा मेन मुद्दा स्टार्टिंग से था। और अभी भी देखिए मैं तो क्लियरली देख पा रहा हूँ कि निफ्टी काफ़ी नीचे आती हुई दिख रही है, हाँ ऊपर चले जाए ऐसा ऐसा कह नहीं सकता मैं ऊपर न जाए, क्योंकि पंप होगा, पैसा बचाने की कोशिश होगी, बट सिचुएशन करंट स्टेट में काफ़ी क्रिटिकल देखने को मिल रही है। और आपकी अपनी क्या राय है इसके बारे में, क्या प्रतिक्रिया आप देते हो वो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।